नवीन नगप्पा। कैप्टन नवीन नगप्पा 12 दिसंबर 1998 को इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ट्रेनिंग के बाद 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स यूनिट में भर्ती हुए थे। सेना में पहली पोस्टिंग उन्हें जनवरी 1999 में कश्मीर में मिली। उन्हें काउंटर इमरजेंसी ऑपरेशन के लिए सोपोर भेजा गया। अभी सर्विस के महज 6 महीने ही हुए थे कि उन्हें कारगिल भेज दिया गया। 4 जुलाई 1999 को हमें पॉइंट 48-75 पर तिरंगा फहराने का लक्ष्य मिला। मिशन पर जाने से पहले सभी जवान एक दूसरे के गले लग रहे थे। मैं भी बारी बारी से सबसे मिल रहा था। जब कैप्टन विक्रम बत्रा के पास पहुंचा तो विक्रम बोले, गले लगना यार, जाने कौन सी मुलाकात आखिरी होगी। मिशन पर जाने से पहले मुझे एक टास्क दिया गया। मुझे अपनी यूनिट के 120 जवानों से अनपोस्टेड लेटर लिखवाने को कहा गया, ताकि अगर कोई जवान युद्ध से जिंदा वापस नहीं लौट सके तो यह खत उसके परिवार को भेजा जा सके। जवानों से जाकर यह कहना कि वो अपने परिवार के लिए, अपने माता पिता के लिए एक चिट्ठी लिखें जिसमें वो अपना आखिरी संदेश उन तक पहुंचाना चाहते हों, बहुत ही मुश्किल टास्क था। सभी जवानों ने अपने परिवार के लिए पत्र लिखे। उसके बाद उनसे कहा गया कि सभी अपने बटुए और आईडी कार्ड भी जमा कर दें। आईडी कार्ड लेकर मिशन पर जाना खतरनाक हो सकता था, क्योंकि यदि कोई जवान गलती से युद्ध बंदी हो जाए तो दुश्मन उसका भेजा इस्तेमाल कर सकता था। कोई अपने बटुए से अपनी माँ की फोटो निकालकर चूम रहा था, तो कोई अपनी पत्नी और बच्चों के फोटो को सीने से लगा के दुलार रहा था। किसी को पता नहीं था कि कल को क्या होने वाला है, कौन जिंदा लौट कर आएगा और कौन तिरंगे में लिपट कर घर जाएगा। इसके बाद हमने और सभी जवानों ने एक साथ हमारे यूनिट के वॉर क्राई दुर्गा माता की जयकारे लगाए और युद्ध की और परिवार की चिंता छोड़कर अपने मोर्चे पर निकल पड़े। तब हमारे मन में बस एक ही टारगेट था कि चाहे कुछ भी हो जाए, पॉइंट 48-75 पर तिरंगा फहराने के बाद ही लौटेंगे। 5 जुलाई को हम रेंगते हुए दुश्मन के बंकर तक पहुंच गए। पाकिस्तानियों को पता नहीं था कि हम उनके बंकर के पास पहुंच गए हैं। हमने अपनी टीम को डिवाइड किया और एक साथ दुश्मन के 3 बंकरों पर अटैक कर दिया, उनका बंकर तबाह कर दिया। इस बीच मेरी नजर एक जवान पर पड़ी जो हमारी ही यूनिफॉर्म पहने हुए था। जब मैं उसके पास पहुंचा तो देखा कि वो श्याम सिंह था। श्याम सिंह मेरा सहायक था। हमारी पहचान सिर्फ 6 महीने पुरानी थी, लेकिन हमारे बीच बॉन्डिंग इतनी अच्छी हो गई थी कि वह बीमार होने के बाद भी युद्ध के लिए मेरे साथ आया था। मैं तो उसे मना कर रहा था, लेकिन वह नहीं माना। उसने कहा कि वह अच्छे वक्त में मेरे साथ था, तो आज मुश्किल वक्त में मेरा साथ कैसे छोड़ सकता है। मेरे लिए वह बेहद ही मुश्किल पल था। आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्हें दबा कर रखा ताकि दूसरे जवानों का मनोबल कमजोर ना हो। तब मैंने सोच लिया, अब तो बिना दुश्मनों को तबाह किए वापस नहीं लौटूंगा। दोनों तरफ से पूरे दिन और रात भर हमला होता रहा। 6 जुलाई की सुबह लेफ्टिनेंट जनरल वाई के जोशी हमारे कमांडिंग ऑफिसर, उन्होंने फोन किया और जवानों का हालचाल पूछा। हमारे जवान पिछले 48 घंटे से भूखे थे। जवान इस कदर भूखे और प्यासे थे कि खून और बारूद से लथपथ बर्फ के टुकड़ों को तोड़कर उसे चूसकर अपनी प्यास बुझा रहे थे। वहां और कोई ऑप्शन नहीं था हमारे पास। ऐसे मुश्किल हालात में भी हमने खाने से ज्यादा नीचे से एम्यूनिशन हमारे पास पोस्ट पर भेजने को कहा। दोनों ओर से फायरिंग चलती रही। 7 जुलाई की सुबह पाकिस्तानियों ने मेरे बंकर के पास एक ग्रेनेड फेंक दिया। मुझे पता था कि यह 4 सेकंड में फटेगा। इतने कम समय में मुझे डिसीजन लेना था। जैसे तैसे करके मैंने उसे उठाकर दूर फेंकने की कोशिश की, लेकिन वह एक पत्थर से टकराकर वापस मेरे पास ही आकर गिरा। तब तो मुझे लगा कि अब मैं जिंदा नहीं बचूंगा। मेरे आंखों के सामने मेरी पूरी फैमिली दिखाई देने लगी। मौत को बहुत करीब से देख रहा था। मैंने संभलने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही वह ब्लास्ट हो गया। मैं बुरी तरह घायल हो गया। कुछ देर तक मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कहाँ हूं। उसके बाद कैप्टन बत्रा दौड़कर मेरे पास आए। वो बोले, अन्ना
डरना नहीं, मैं आ गया हूँ। मुझे भी हिम्मत मिली कि अब जब मैं ग्रेनेड फटने से नहीं मरा तो मुझे कुछ नहीं हो सकता। मैंने अपनी AK-47 उठाई और फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन बत्रा ने मुझे मना किया और कहा कि नीचे लौट जाओ। मैं नीचे नहीं जाना चाहता था, लेकिन वो मुझसे सीनियर थे, उनकी बात माननी पड़ी। उन्होंने वहां से उठाया और मुझे सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। वहां से रेंगते हुए मैं नीचे पहुंचा, जहां जवानों ने मुझे स्ट्रेचर पर उठाया और अस्पताल लेकर पहुंचे। मुझे वहां से श्रीनगर भेजा गया और फिर श्रीनगर से दिल्ली। उसी दिन मुझे खबर मिली कि हमने 48-75 पॉइंट पर तिरंगा फहरा दिया है। यह मेरे लिए खुशी की बात थी, लेकिन दुख इस बात का था कि मैंने अपने दोस्त विक्रम बत्रा को खो दिया था। वह इस लड़ाई में शहीद हो गए। एक दिन हम दोनों पास में ही अपने अपने बंकर पर थे, दोनों बात कर रहे थे। आज भी मुझे याद है जब उन्होंने अपने रिटायरमेंट प्लान के बारे में बताया था। उन्होंने कहा था, मैं हिमाचल में अपना एक फार्म खोलूंगा और वहीं पर तुम भी आना। मैं करीब 21 महीने दिल्ली अस्पताल में भर्ती रहा। इस दौरान 8 सर्जरी हुई मेरी। उसके बाद मुझे सर्विस के लिए मेडिकली अनफिट बता दिया गया। मैं सिर्फ 6 महीने ही सर्विस में रह सका। उसके बाद मैंने 2002 में इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज की परीक्षा पास की और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में बेंगलुरु के आर्मी बेस कैंप में आज सुपरिटेंडेंट इंजीनियर हूँ। मनदीप सिंह पंजाब के गुरदासपुर के गांव चट्टा के रहने वाले थे। इनकी पत्नी का नाम मनदीप कौर है और इनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा 4 साल का और दूसरा अभी कुछ दिनों पहले ही हुआ था। मनदीप सिंह के घर में कुछ ही दिन पहले खुशियां आई थी। मनदीप सिंह घर पर अपने छोटे बेटे के साथ खेल रहे थे और अपने परिवार के साथ अपनी खुशियां बिता रहे होते हैं और कुछ दिनों बाद दिवाली भी आने वाली थी। तभी फोन की घंटी बजती है। यह फोन उनके सीनियर अफसर का होता है। वो मनदीप सिंह को वापस ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए बुलाते हैं, लेकिन वहीं खड़ी उनकी पत्नी ये सब देख रही होती है। वह उनके पास आकर पूछती है, फोन किसका था जी? पहले तो आप बड़े खुश थे, अब उदास से हो गए हो, क्या बात है? मेरी छुट्टी पूरी हो गई है, अब मुझे जाना होगा। मेरे सीनियर अधिकारी का फोन था, उन्होंने कहा है कि आज ही शाम को मेरी ट्रेन है और मुझे किसी भी हालत में पहुंचना है। लेकिन ऐसे कैसे, आप इतनी जल्दी मत जाइए, अभी तो अपना बच्चा पूरे 1 महीने का भी नहीं हुआ और वीर आपसे बहुत नाराज हो जाएगा और ये दिवाली आपके साथ मनाना चाहता था और अभी आप जा रहे हो। हाँ पता है, इसे छोड़कर जाने का मन तो मेरा भी नहीं करता, लेकिन देश की आन बान और शान सबसे पहले। मनदीप सिंह इतना कहकर तैयार होने अंदर चला जाता है। तैयार होकर मनदीप सिंह अपने माँ बाप और बीवी बच्चों से मिलकर स्टेशन पर पहुंच जाता है। उसकी पोस्टिंग जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में थी। दरअसल घाटी में अल्पसंख्यकों की आतंकियों द्वारा हत्या किया जाने के बाद सेना की तलाशी अभियान तेज हो गया था। हाल ही में हुई एक मुठभेड़ में सेना ने एक आतंकी को मार गिराया था, जबकि एक पाकिस्तानी आतंकी फरार हो गया था। आतंकवादियों ने पुंछ के पीर पंजाल में सेना पार्टी को जंगल क्षेत्र के सुरनकोट में निशाना बनाया, जब उन्होंने एक विशिष्ट इनपुट पर घुसपैठ विरोधी अभियान शुरू कर दिया था। अगले दिन रात को मनदीप सिंह का घर से फोन आता है। पापा पापा, आप दिवाली पर आ जाओ ना पापा, मेरे लिए बम पटाखे और मिठाइयाँ कौन लाएगा, आपने कहा था। हाँ बेटा, मैंने कहा था, पर मुझे यहाँ आना भी जरूरी था। वहाँ आपकी मम्मी बहुत सारे पटाखे सब दिलवाएंगी और अब आपको सो जाना चाहिए। फिर मनदीप अपने बेटे को मनाने लगते हैं कि वह फोन अपनी मम्मी को दे दे। कई मिनट और ढेर सारे खिलौने दिलवाने का प्रॉमिस लेने के बाद उसका बेटा फोन अपनी माँ को दे देता है। कैसी हो माँ? बाबूजी सब ठीक है ना? और छोटा बेटा भी ठीक है? हाँ जी सब ठीक है, आप भी ठीक हो ना? हमारा छोटा बेटा क्या कर रहा है, ये उसकी पहली दिवाली आएगी, तुम ख्याल रखना सबका। अभी तो सो रहा है, आप ठीक हो ना? हाँ मैं भी बढ़िया हूँ, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, कल सुबह जल्दी जाना है। इतना कहकर मनदीप सिंह फोन रख देता है और जैसे ही सुबह होती है तभी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आती है। उसमें बताया जाता है
कि जम्मू के राजौरी के पुंछ में सेना और आतंकियों के बीच सर्च ऑपरेशन के दौरान मुठभेड़ हुई है और उसमें सेना की 2 बटालियन उनकी मदद करने के लिए और भेजी जा रही हैं, जिसमें एक जूनियर कमिश्नर अधिकारी, नायक सूबेदार जसविंदर सिंह, नायक मनदीप सिंह, गज्जन सिंह, सरज सिंह, वैशाख, इनके नेतृत्व में 2 बटालियन भेजी गई। आतंकवादियों के सुरक्षा बलों पर गोलीबारी करने से अभियान मुठभेड़ में तब्दील हो गया। 11 अक्टूबर 2021 को मनदीप सिंह करीब 10 जवानों के साथ राजौरी के पुंछ के घने जंगलों में रात में, इसी दौरान बल ने भी गोलीबारी का माकूल जवाब दिया। उन्होंने बताया कि मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया जबकि एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। इस दौरान दोनों तरफ से काफी हैवी फायरिंग शुरू हो गई। आतंकियों के साथ उस मुठभेड़ के दौरान उनके एक साथी को भी गोली लगी, जबकि मनदीप सिंह ने अपनी जान की परवाह न करते हुए अपने घायल साथी को पीछे की ओर बचाने के लिए खींचा और इसी दौरान वे घायल भी हो गए। फिर मनदीप सिंह अंधाधुंध फायरिंग करते हुए आगे बढ़ते हैं। अचानक एक छिपा हुआ आतंकी फायरिंग करता है और कई गोलियां मनदीप सिंह को लग जाती हैं और फिर भी आतंकियों का वे डटकर मुकाबला करते रहे और इसी दौरान आतंकियों का मुकाबला करते करते मनदीप सिंह ने अपना जीवन का बलिदान दे दिया। मनदीप सिंह को आतंकियों के खिलाफ असाधारण वीरता, अदम्य साहस देश के सभी शहीदों को नमन करता है। वीर कभी मरते नहीं बल्कि वो वीर गति को प्राप्त होते हैं और वे इतिहास के पन्नों में सदा सदा के लिए अमर हो जाते हैं। आतंकियों के साथ उस मुठभेड़ में एक जेसीओ सहित सेना के 5 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में शहीद हो गए। इलाके में ऑपरेशन अब भी जारी है, लेकिन इस गोलीबारी में 4 जवान और शहीद हो गए। शहीद जवानों के नाम नायक सूबेदार जसविंदर सिंह, नायक मनदीप सिंह, सिपाही गज्जन सिंह, सिपाही सरज सिंह और सिपाही वैशाख एच हैं। रूही के पिता विवेक की होली की छुट्टी समाप्त हो गई थी। विवेक की ड्यूटी पर लौटते समय, पिताजी कुछ दिन और रुक जाइए ना, अभी तो मैं ठीक से खेली भी नहीं आपके साथ। बेटा रुकने का मन तो मेरा भी है, लेकिन हम फौजी की जिंदगी घर के लिए कम देश के लिए ज्यादा होती है। रूही ठीक ही तो कह रही है, अगर कुछ दिन और रह जाते तो अच्छा होता। मैं भी रुकना चाहता था, मैंने इसके लिए अपने कमांडिंग ऑफिसर से बात भी की थी, लेकिन पता चला कि सीमा पर दुश्मन देश के सैनिकों की गतिविधियां कुछ ठीक नहीं, इसलिए सभी की छुट्टियां कैंसिल कर उन्हें वापस बुलाया जा रहा है। ठीक है जाओ, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। लक्ष्मी तुम तो समझदार हो, तुम तो जानती हो कि भारत माता को हम जैसे सपूतों की कितनी जरूरत है। क्या तुम चाहोगी कि माँ को जब बेटों की जरूरत हो तो वह नहीं जा सके? जानती हूँ, लेकिन जब रूही और मैं तुम्हारे बिन अकेलापन महसूस करते हैं तो जज्बातों पर काबू नहीं रख पाती। चलो अब मुझे जाना होगा। ठीक है पिताजी, लेकिन 3 महीने बाद मेरा जन्मदिन है, याद है ना, भूलिएगा नहीं। मैं तुम्हारा जन्मदिन कैसे भूल सकता हूँ, मैं जाते ही छुट्टी के लिए आवेदन लगा दूंगा। मेरे प्यारे पापा, मेरे अच्छे पापा। ओके, मेरी प्यारी बच्ची, बाय। लक्ष्मी अपना और रूही का ख्याल रखना। जी अच्छी तरह रखूंगी। बाय बाय पिताजी, जल्दी आइएगा, मेरा जन्मदिन भूल नहीं जाइएगा। इस तरह भारी मन से विवेक अपने जज्बातों को समेटे हुए ड्यूटी पर चला जाता है। इधर रूही और उसकी माँ दोनों आंखों में आंसू लिए वापस घर के अंदर चली जाती हैं। दोनों एक दूसरे से कोई बात नहीं करती, घर में बिल्कुल सन्नाटा छा जाता है। उधर बॉर्डर पर विवेक के पहुंचने पर, जय हिंद सर, लांस नायक विवेक सिंह रिपोर्टिंग सर। वेरी गुड विवेक, मुझे मालूम है कि छुट्टियों के बाद घर परिवार को छोड़कर ड्यूटी पर आना कितना मुश्किल काम है, लेकिन हम फौजी को अपने देश की रक्षा के लिए कलेजे पर पत्थर बांधकर काम करना होता है। हौसला देने के लिए धन्यवाद सर, अपने शिविर में जाने की अनुमति चाहिए श्रीमान। ओके तुम जा सकते हो।
जय हिंद सर। विवेक अपने शिविर में पहुंचता है जहां उसके दोस्त अनुज से उसकी मुलाकात होती है। अरे आओ विवेक, कैसी रही होली की छुट्टी? दोस्त तुम तो जानते ही हो कि हम फौजी की छुट्टियां कब शुरू होती हैं और कब समाप्त पता ही नहीं चलता। इधर रूही की दोस्त बबली का जन्मदिन रहता है। बबली के पिताजी ने त्रिपुरा के एक बड़े होटल में भव्य आयोजन किया था। रूही के घर पर, लक्ष्मी बहन, बबली के जन्मदिन की पार्टी का आयोजन इसके पापा ने ग्रैंड होटल में किया है। आज शाम रूही को साथ लेकर आना है, भूलिएगा नहीं। जरूर आऊंगी बहन, आखिर बबली हमारी भी बेटी है। अगले महीने रूही का भी जन्मदिन है, रूही के पिताजी भी आ रहे हैं। रूही की भी इच्छा है कि इस बार उसके जन्मदिन पर पिताजी साथ रहें। रूही, शाम को जरूर आना, पापा ने मेरे जन्मदिन पर मेरे लिए बहुत बढ़िया केक मंगवाया है। ठीक है बबली, हम जरूर आएंगे। शाम को रूही अपनी माँ के साथ ग्रैंड होटल पहुँचती है। वहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए होते हैं। बबली एक सुंदर सी परी जैसी फ्रॉक पहन एक बड़ा सा केक काटती है। हे रूही, लो केक खाओ, तुम्हारे पापा नहीं आए? मेरे पापा देश की रक्षा के लिए गए हैं, वो अगले महीने मेरे बर्थडे पर आएंगे। मेरे पापा तो हमारे साथ ही रहते हैं, हम लोग खूब मस्ती करते हैं। देखो मेरे पापा ने मेरे लिए कितना सुंदर फ्रॉक लाया है। सच में तुम्हारी फ्रॉक बहुत सुंदर है, मैं भी पिताजी से ऐसी ही फ्रॉक मंगवाऊंगी। बेटा बबली, चलो अब तुम सब मिलकर डांस करो। जो भी बच्चा सबसे अच्छा डांस करेगा उसे मैं ये गिफ्ट का पैकेट दूंगा। और हाँ, जो सबसे अच्छा गाना गाएगा वह भी एक गिफ्ट का पैकेट मेरी तरफ से इनाम में पाएगा। इस तरह बबली के जन्मदिन की पार्टी में बच्चे लोग खूब मजा मस्ती करते हैं। पार्टी में सबसे अच्छा डांस करने वाला बच्चा और सबसे सुंदर गाने गाने वाले बच्चे को बबली के पिताजी एक सुंदर सा गिफ्ट देते हैं। सभी बच्चे खूब खुश होते हैं। रूही घर लौटकर, माँ कितनी सुंदर बर्थडे पार्टी थी बबली की, मुझे भी ऐसी ही बर्थडे पार्टी मनानी है। ठीक है बेटी, वैसी ही पार्टी तेरे पापा से कहकर मनवा देंगे। माँ पिताजी को फोन लगाकर बताओ ना अभी। बेटा अभी बहुत रात हो गई है, कल सुबह बात कर लेना। बबली कितनी खुश नसीब है, उसके पिताजी हमेशा उसके साथ रहते हैं, उसे कितना मानते हैं। ऐसा नहीं सोचते बेटा, तुम्हारे पिताजी भी तुम्हें बहुत मानते हैं। हाँ तेरे पिताजी की नौकरी ऐसी है कि वो हम लोगों के साथ नहीं रह सकते। काश पिताजी भी बबली के पिताजी की तरह बिजनेसमैन होते और हम सब साथ रहते तो कितना अच्छा रहता। बेटा अगर तेरे पिताजी फौजी नहीं होते तो इन बिजनेसमैन, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, टीचर, मंत्री और सारी जनता की रक्षा कौन करता। हमें गर्व है कि तुम्हारे पिताजी देश का सबसे अच्छा सर्विस करते हैं। हाँ माँ, मेरे पिताजी सबसे अच्छे हैं। दूसरे दिन रूही अपने पापा को फोन करके पार्टी की सारी बातें बताती है और पापा से वैसी ही बर्थडे पार्टी मनाने को कहती है। पापा आप एक सप्ताह पहले ही आ जाइएगा, हम खूब मस्ती करेंगे बर्थडे पार्टी में। ओके बेटा, मैंने छुट्टी का आवेदन लगा दिया है और छुट्टी मिल भी गई है। मैं तुम्हारे जन्मदिन के एक हफ्ते पहले ही आ रहा हूँ। वाओ, माय पापा इज द बेस्ट पापा इन द वर्ल्ड। ठीक है बेटा, अब फोन रखो, मैं ड्यूटी के लिए निकल रहा हूँ। ठीक है पापा, मैं आपका इंतजार करूंगी, बाय। छुट्टी पर आने के दिन, जाओ भाई रूही बिटिया को जन्मदिन पर मेरी तरफ से ढेर सारी बधाई देना और ये परी वाली फ्रॉक जन्मदिन पर उसे जरूर पहनाना। अरे ये कब खरीदी तूने और इसकी क्या जरूरत थी? अब तू रूही से फोन पर बात कर रहा था तो मैंने परी वाली ड्रेस की बात सुन ली थी। भगवान ने मेरी कोई संतान नहीं दी तो क्या हुआ? रूही बिटिया को देकर अपना अरमान पूरा नहीं कर सकता क्या? बस कर पगले, अब रुलाएगा क्या? वैसे तू भी तो परसों घर जा रहा है, भगवान ने चाहा तो तेरे आंगन में भी जल्द ही एक परी सी बच्ची खेलेगी। हाँ भाई, पूरे एक वर्ष बाद जा रहा हूँ घर। तभी कमांडिंग ऑफिसर आकर, विवेक अभी अभी वायरलेस संदेश आया है कि सीमा पार से कुछ आतंकवादी हमारे एरिया में घुस आए हैं, इसलिए तुम्हारी छुट्टी कैंसिल की जाती है। जय हिंद सर, विवेक की बेटी का जन्मदिन है, आप मेरी छुट्टी कैंसिल कर दीजिए, मैं बाद में चला जाऊंगा। ठीक है, मैं ब्रिगेडियर साहब से अभी बात करके देखता हूँ, लेकिन तब तक विवेक तुम घर नहीं जा सकते। लेकिन अनुज,
तो पिछले एक साल से घर नहीं गया है। अरे दोस्त, तुम्हें जाना जरूरी है, बिटिया इंतजार कर रही है। वैसे भी मुझे कोई जरूरी काम नहीं है, बाद में भी चला जाऊंगा। देख तेरी मोबाइल की घंटी बज रही है, लगता है रूही का ही फोन है। अरे हाँ, उसी का फोन है। हेलो बेटी, कैसी हो? ठीक हूँ पिताजी, आप चले भी या नहीं अभी तक? बेटा कुछ जरूरी काम है, उसे निपटा कर एक दो दिनों में आ जाऊंगा। हेलो, क्या हुआ जी? सब कुछ ठीक तो है ना वहाँ पर? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं परसों यहाँ से निकलूंगा, अभी कुछ काम है यहाँ। पिताजी के घर पर नहीं पहुँच पाने से माँ बेटी दोनों उदास हो जाती हैं। टीवी पर न्यूज से पता चलता है कि सीमा पार से कुछ आतंकवादी घुस आए हैं। लक्ष्मी का दिल बैठ जाता है, वह बदहवास हो जाती है। माँ, क्या हम इस बार भी बिना पिताजी के केक काटेंगे? नहीं मेरी बच्ची, पिताजी जरूर आएंगे। अनुज की छुट्टी रद्द कर विवेक को छुट्टी मिल जाती है। विवेक घर पहुंचकर रूही के साथ ढेर सारी खरीदारी करता है। जन्मदिन के लिए अनुज की दी हुई फ्रॉक पहन रूही केक काटती है। सभी लोग पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी विवेक के मोबाइल पर फोन आता है। पता चलता है कि आतंकवादी की गोली अनुज को लगी है और वो सैन्य अस्पताल में जीवन और मौत की लड़ाई से जूझ रहा है। पिताजी चलिए ना हमारे साथ डांस कीजिए। एक मिनट, चलो बेटा मैं आ रहा हूँ। ना चाहते हुए भी विवेक अपनी आंखों से आंसू को छुपाता हुआ रूही के कहने पर डांस करता हुआ सोचता है। कुछ दिनों बाद अनुज को स्वस्थ होने के बाद सैन्य अस्पताल से छुट्टी दे दी जाती है। 26 जनवरी के लिए वीरता पुरस्कारों में कीर्ति चक्र पुरस्कार की घोषणा में अनुज का नाम भी होता है। विवेक अनुज को फोन करता है। हेलो अनुज, अभी अभी मैंने टीवी पर तुम्हारी बहादुरी के लिए कीर्ति चक्र की घोषणा सुनी। बधाई हो भाई, तुम ही इसके असली हकदार थे। धन्यवाद भाई, एक और खुशी की बात है, तुम्हारी भाभी के पाँव भारी हैं, तू चाचा बनने वाला है। वाह, ये हुई ना बात। अच्छे लोगों के साथ देर सवेर हमेशा अच्छा ही होता है, नेकी कभी बेकार नहीं जाती।